हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपका बजट 11,000 रुपये से लेकर 11,500 रुपये का है तो इस बजट सेगमेंट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में एक सही स्मार्टफोन को ख़रीदना, उसे बाय करना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में एक बैड फ़ोन अगर सिलेक्ट कर दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों 11,000 रुपये कोई कम बजट नहीं होता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में सभी यूज़र्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर यह बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट तैयार की है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी यूज़र्स को प्राइस सेगमेंट में बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो किसी को अच्छा कैमरा, और बहुत सारे यूज़र्स को बड़ी डिस्प्ले, अच्छी बैटरी और बढ़िया सा रैम और स्टोरेज चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें गेमिंग चिपसेट, पावरफुल परफॉर्मेंस, बेस्ट कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले, सारे क्राइटेरियाज के स्मार्टफोन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और हो सकता है आप जिस स्मार्टफोन को ढूंढ रहे हो वो स्मार्टफोन इस वीडियो में देखने को मिले। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्मार्टफोन खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बड़ा कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें काफ़ी बेस्ट कैमरा है और बड़ी डिस्प्ले के साथ रेफ्रिजरेट सपोर्ट, साथ ही दोस्तों काफ़ी बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ी बैटरी है और प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रैम और स्टोरेज देखने को मिलेगी दोस्तों। ये स्मार्टफोन निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G30। इसमें फ्रेंड आपको 6.51 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, अलग से 90Hz का रेफ्रिजरेट सपोर्ट। बैक साइड की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, इसको चार्ज करने के लिए 20W का फास्ट चार्जर, और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का बेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा जो 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है। साथ ही आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसकी रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो अच्छी खासी डिस्प्ले के साथ रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट कैमरा देखने को मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का। नहीं तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर आप कैमरा वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। साथ ही दोस्तों 5000 mAh की भी बैटरी काफ़ी बड़ी बैटरी है और अच्छा खासा आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। इसकी मैंने प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड तो इसमें जो 662 का प्रोसेसर है इसमें दोस्तों आप काफ़ी बेस्ट तरीके से गेमिंग कर पाएंगे, और दोस्तों ये मोबाइल ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा गेमिंग के दौरान। और अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसकी मैंने प्राइस की बात कर ले तो 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आप इसे 10,999 रुपये की प्राइस में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं कैमरा वाइज तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आप गेमिंग वाइज से स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसमें आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, इसके साथ ही एक बड़ा कैमरा, बड़ी बैटरी और साथ ही फास्ट चार्जर का सपोर्ट, साथ ही एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा गेमिंग चिपसेट, और दोस्तों दो वेरिएंट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, और दोस्तों अभी भी इस स्मार्टफोन की ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों ये रियलमी की तरफ से निकल के आता है दोस्तों, रियलमी नार्जो 20। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है रियलमी नार्जो 20, तो इसके हम मेन स्पेक्स जान लेते हैं। इसमें आपको 6.52 इंच का एक HD+ LCD पैनल देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और दोस्तों ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और 6000 mAh की लंबा बैकअप देने वाली बैटरी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। इसको चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग इनबॉक्स आपको दिया जाएगा, और दोस्तों साथ ही इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो का G85
चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग चिपसेट है और काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, साथ ही दोस्तों 256GB अलग से आप एक्सपेंड कर पाएंगे, और जो दूसरा वेरियंट है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड, तो 6.5 इंच की एक HD प्लस LCD पैनल देखने को मिल जा रहा है, काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 48MP का प्राइमरी शूटर है, काफ़ी बड़ा कैमरा भी है। दोस्तों इसमें आपको 6000mAh की एक लंबा बैकअप देने वाली बैटरी है, और 18W का जो फास्ट चार्जर है दोस्तों, ये 131 मिनट में आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। तो दोस्तों मेन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको जो MediaTek Helio G85 है, ये गेमिंग चिपसेट है, इसमें आप PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को आसानी से खेल पाएंगे, और आप इससे बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको कुछ भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा और लेग इशू भी नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है Realme Narzo 20A। तो दोस्तों Realme की तरफ से काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है। इसकी मेन प्राइस की बात कर देते हैं फिर, तो ये 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है 9,999 रुपये में, और 4GB रैम, 128GB वाला स्टोरेज वाला स्मार्टफोन आता है 10,199 रुपये में। तो दोस्तों Realme की तरफ से काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप गेमिंग वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत कुछ कमी लगी हो, तो दोस्तों अभी हमारे लिस्ट में और ऐसे स्मार्टफोन बचे हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहेगा। दोस्तों अगर आपका बजट इस प्राइस सेगमेंट से भी कम का है, तो जो डिस्प्ले पे ये वीडियो देख रहे हैं इसको दोस्तों आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इससे भी कम प्राइस का गेमिंग स्मार्टफोन बताया है, जिसमें आपको गेमिंग चिपसेट, पावरफुल परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, सुपर कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, और साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको मेन तो स्टोरेज देखने को मिलेगी, और दोस्तों बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही रेफ्रिजरेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिग बैटरी है, और दोस्तों बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट चिपसेट है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं पोको M3 के बारे में। इसमें फ्रेंड आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही दोस्तों आपको 60Hz का रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन, साथ ही दोस्तों बैक साइड की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा प्लस 2MP का डेप्थ और प्लस 2MP का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी 6000mAh की बिग बैटरी, और दोस्तों इसके साथ 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसकी मेन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 11nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें है 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो दूसरा वेरिएंट इसमें आपको 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो फ्रेंड ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है फुल HD, साथ ही आपको रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो अच्छा खासा बैकअप ये बैटरी दे देगी। साथ ही दोस्तों जो प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, इसमें आप काफ़ी बेस्ट तरीके से गेमिंग कर पाएंगे। और दोस्तों मेन स्टोरेज काफ़ी मेन हाईलाइट है, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको 6GB रैम देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है। अब दोस्तों इसकी मेन प्राइस की बात कर लेते हैं, तो जो 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 10,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा, और 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 11,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया बेस्ट स्पेक्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिले हैं, और दोस्तों ये जब लॉन्च हुआ था तब इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो दोस्तों आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे लिस्ट में और भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन बचे हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं, तो दोस्तों इसलिए इन स्मार्टफोन के स्पेक्स ज़रूर जानें। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, और दोस्तों बेस्ट कैमरा, बेस्ट बैटरी, और साथ ही एक अच्छी खासी रैम और स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल गया था Redmi की तरफ से, Redmi Note 9। इसमें फ्रेंड आपको 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें रियर कैमरा है 48MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2MP का डेप्थ सेंसर, और प्लस 2MP का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है।
इसकी बैटरी की बात करें फिर तो 5020 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसकी मेन प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको MIUI 11 देखने को मिलता है। इसके वेरिएंट की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दूसरा वेरिएंट है इसमें आपको 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए। और दोस्तों आपको इसमें बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है और अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल रही है। और जो मीडियाटेक हीलियो G85 पे एक गेमिंग प्रोसेसर है, इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे दोस्तों नॉर्मल सेटिंग्स में, और मीडियम सेटिंग्स में भी अच्छी तरीके से इसमें गेमिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसकी मैंने प्राइस की बात करें तो 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसे आप 10,999 रुपये में बाई कर सकते हैं। और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसे आप 12,999 रुपये में चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये स्मार्टफोन ठीक ठाक ना भी लगा हो तो अभी हमारी लिस्ट में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो आपको काफ़ी बेहद पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, ये एक नॉन चाइनीज ब्रांड है और दोस्तों अगर आप सैमसंग यूज़र है तो आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले के साथ रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप और साथ ही बिग बैटरी के साथ बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रैम और स्टोरेज देखने को मिल रही है। तो ये स्मार्टफोन फ्रेंड सैमसंग F12 है, जिसमें आपको 6.5 इंच का एक HD+ इन्फिनिटी V डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इसके साथ ही दोस्तों 6000 मिली एम्पीयर की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके मेन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको एक्सनोस 850 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो दोस्तों सैमसंग के जो दूसरे चिपसेट हैं उनसे काफ़ी बेस्ट और काफ़ी फास्ट चिपसेट है दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.5 इंच की डिस्प्ले के साथ आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और सैमसंग का जो कैमरा होता है वो काफ़ी बेस्ट होता है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी होती है सैमसंग के कैमरे में, और बिग बैटरी है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो आपके लिए स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसकी मैंने प्राइस की बात करें तो जो 4GB रैम, 64GB वाला वेरिएंट है वो 10,999 रुपये में देखने को मिल जाता है, और जो 4GB रैम, 128GB वाला 11,999 रुपये में आप इसे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये स्मार्टफोन ठीक ठाक ना लगा हो तो अभी हमारी लिस्ट में ऐसे स्मार्टफोन है जो आपको बेहद खास होने वाले हैं, काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे बढ़िया स्पेक्स से दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों आपको अच्छी खासी डिस्प्ले के साथ अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाता है, और काफ़ी बढ़िया बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स इन नोट 1। इसमें आपको 6.67 इंच का एक फुल HD+ पंच होल डिज़ाइन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और क्वाड कैमरा सेटअप बैक साइड में देखने को मिलता है, जिसमें है रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 5000 मिली एमपीआर की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो ये एक इंडियन ब्रांड है, अगर आपको नॉन चाइनीज डिवाइस पसंद नहीं है तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, और काफ़ी बढ़िया कैमरा है। मेन दोस्तों इसका काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है इस स्मार्टफोन का, तो अगर आप गेमिंग वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इसमें आप काफ़ी बेस्ट तरीके से गेमिंग कर पाएंगे।
तो फ्रेंड ओवरऑल इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आप इसे 11,500 रुपये में बाई कर सकते हैं। और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट, इसे आप 12,499 रुपये की प्राइस में चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे आपकी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स है। दोस्तों अभी भी आपको स्मार्टफोन्स के लेकर कुछ कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इनमें से आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपको कौन से स्मार्टफोन के बेस्ट स्पेक्स लगे और आप कौन सा स्मार्टफोन इसमें लेने वाले हैं तो दोस्तों ये कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलता हूं अगली इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।